ನಮಸ್ಕಾರ ದೋಸ್ತ ಹೆಂಗ ಬತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಬತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಯಂಗ ಸರಿ ಆಗಾರಬ ನಾನೇ ನಿವೇಶ್ ಟೈಮ್ ಮಿನ नमस्कार दोस्तों, सबको ममता की जिंदगी में प्यार और ममता भरी स्वागत है। मैं हूँ ममता। हम लोग बाहर जा रहे हैं, सुबह सुबह 6:45 जा रहे हैं। जा रहे हैं, अभी अभी उठे हैं सब लोग। yes. तो बहुत आने वॉइस और मैंने नमस्कार दोस्तों, आप सबको ममता की जिंदगी में प्यार और ममता भरी स्वागत है। मैं हूँ ममता शंकरी। हम सुबह सुबह ही बाहर जा रहे हैं, अभी 6:45 है। तो मैं हॉस्पिटल जा रहे हैं हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं बेटी का वैक्सीनेशन के लिए। अभी 18+ के लिए वैक्सीनेशन मिलता है और उसको कॉलेज शुरू होगा अभी, ऑफलाइन कॉलेज के लिए कंपलसरी वैक्सीनेशन लेना है। तो इसलिए जा रहे हैं, हमारा कंपनी का हॉस्पिटल जा रहे हैं मेरे हस्बैंड के साथ। वो जा ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं हॉस्पिटल छोड़ के वो ऑफिस जाएंगे। तो अभी सुबह के टाइम में रोड भी खाली है, ट्रैफिक भी नहीं है, कोई नहीं है रोड पे। तो जा रहे हैं, मेरा भी कुछ काम है, मेरा रूटीन चेकअप है, ब्लड चेकअप है। तो तीनों साथ में जा रहे हैं, बेटा एक घर में है। कुछ बना के तो नहीं आई, वो खुद बनाएगा, नहीं तो बाहर से कुछ मंगाएगा खाने के लिए। बेटा तो बड़ा है ना, तो प्रॉब्लम नहीं है। दिखाती हूँ मैं बाद में। हाँ, हॉस्पिटल का वीडियो तो मैं नहीं ले सकती, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसीलिए मैं नहीं ले सकती। तो वो बेटी पीछे से तंग कर रही थी, तो इसीलिए मैं वॉइस म्यूट नहीं की, वैसे ही रखी थी। मजाक कर रही थी वो। तो सुबह जा रहे थे हम 6:45 घर से निकल के जल्दी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को 6:45 को ऑफिस पहुंचना था, वो पंचिंग टाइम है उनका। तो 5:45 तक घर से निकल लेते हैं हम। अभी देखिए स्ट्रीट लाइट भी ऑफ नहीं हुआ, वैसे ही है। तो मेरा भी जो मेरे मुंह में शाल में मास्क की तरह पहनी थी, क्योंकि मास्क लाना भूल गई थी, मास्क पहनना घर से निकलते वक्त। फिर से जाएंगे तो मेरे हस्बैंड को लेट हो जाएगा, इसीलिए गए नहीं। चूड़ीदार शॉल को ही मास्क जैसे पहनी हूँ। तो देखिए स्ट्रीट लाइट तक ऑफ नहीं हुआ, अभी 6 भी नहीं बजा होगा। 5:45 से घर से निकले हैं, थोड़ी देर हो गया, अभी जा रहे हैं। हमें हॉस्पिटल छोड़ के मेरे हस्बैंड जाएंगे उनके ऑफिस, क्योंकि पास में ही है, उधर ही कंपनी का ऑफिस है, तो वहीं जा रहे हैं। तो हमें हॉस्पिटल छोड़ के वो जाएंगे, फिर हमारा काम देर हो गया, लेट हो गया, तो उनके लिए इंतज़ार करेंगे, नहीं तो हम बस पे आ जाएंगे, मैं और मेरी बेटी दोनों। ये बेंगलुरु का रोड है, देखिए कितना पेड़ है सब। ये तो सैंकी टैंक है, तालाब है जो लेफ्ट साइड में है ना, जो सुबह का टाइम है, तालाब है सैंकी टैंक। बेंगलुरु में ऐसे बहुत तालाब हैं, टैंक मतलब होसूर लेक, ये लेक वो लेक करके बहुत है लेक। ये सैंकी टैंक करके एक लेक है, तालाब है। अभी पहले और भी ज़्यादा था, सब अभी ख़त्म हो गया, सभी उसके अंदर मिट्टी भर के बिल्डिंग बना के सब कुछ हो गया। देखिए कितना पेड़ है बेंगलुरु स्ट्रीट में, इसीलिए तो गार्डन सिटी बोला जाता है बेंगलुरु को। बहुत ज़्यादा पूरा स्ट्रीट में पेड़ रहता है, फिर भी बहुत कट चुका है अभी। अभी मेट्रो के लिए भी बहुत ज़्यादा कट रहा है, 200-300 तक कट रहा है। तो ये रोड सब होता है, फ्लाईओवर होता है, तो पेड़ कटता है, पहले इससे भी ज़्यादा था।
अभी जो बेंगलोर बढ़ गया, लोग ज़्यादा हो गए हैं तो मजबूरी है। ये देखिए, ये राइट साइड में है ना गोल्फ कोर्स है, गोल्फ खेलते हैं ना उसका वो जगह है, वो नेट दिखाई दे रहा है ना ऊपर, वो गोल्फ के लिए डाला गया था। यो देखिए वो ग्राउंड है ना राइट साइड में, वो गोल्फ खेलने का जगह है। बहुत बड़ा जगह चाहिए होता है गोल्फ के लिए, तो ये जगह वो गोल्फ कोर्स है उसके लिए ही है। गोल्फ का बॉल बाहर ना आए इसीलिए वो नेट लगा चुके हैं। देखिए ऊपर नेट दिखाई दे रहा है ना, ये नेट का बॉर्डर जैसे, वो गोल्फ का बॉल इधर ना आए इसीलिए वो लोग फेंकते हैं ना। गोल्फ देखे होंगे आपने, ये बड़े बड़े लोग खेलते हैं, बहुत रिच लोगों का गेम है वो, तो वो गोल्फ कोर्स है। तो अभी पूरा मेरे घर से, तो अभी जहाँ हम रहते हैं वहाँ से तो मेरे हस्बैंड का ऑफिस में 25 किलोमीटर है, तो देर लगेगा ही। अभी ट्रैफिक नहीं है इसीलिए जल्दी हो रहा है, जल्दी जा सकते हैं, मतलब 45 मिनट्स में पहुँच सकते हैं, 1 घंटा भी नहीं चाहिए होता है। ये राइट साइड में नेहरू ये प्लानिटेरियम है, वो वहाँ पीछे गया वो। ये लेफ्ट साइड में एक पार्क है, इंदिरा गांधी म्यूजिकल पार्क ऐसे कुछ। राइट साइड में नेहरू प्लानिटेरियम है, ये देखिए ये पार्क है, ये भी जहाँ लोग आते हैं। प्लानिटेरियम का मतलब तारालय होता है ना, जो उसका ये बड़ा हॉस्पिटल, स्पर्श हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी है। ये बोन के लिए स्पेशल है, वो बोन का हॉस्पिटल है, घुटनों का ये सब करते हैं, ऑपरेशन सब होता है वहाँ। यहाँ देखिए ऊपर वो लाइट दिखा रहा है ना, वो स्टेडियम है, चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ उस साइड में, राइट साइड में चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम है। मैं बस ऐसे ही जाते जाते दिखा रही हूँ, वहाँ अंदर जाके तो नहीं दिखा सकती, अभी कार में जा रहे हैं तो आपको बता रही हूँ क्या है क्या क्या नहीं है ऐसे। वो ये देखिए, ये चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में सब एयरफोर्स का जगह है वहाँ। कार में 1 घंटा तो चाहिए, एक हमेशा 1 घंटा से ज़्यादा चाहिए होता है। अभी सुबह सुबह ट्रैफिक नहीं है तो 45 मिनट्स में हम पहुँच जाएंगे शायद। ये परेड ग्राउंड है, ये परेड होता है वहाँ राइट साइड में, ये जो इंडिपेंडेंस डे में और रिपब्लिक डे में स्टेट लेवल का जो दिल्ली में होता है ना, वैसे ये स्टेट में हो जाता है। ये स्टेट का मुख्यमंत्री रहते हैं वहाँ, प्रधानमंत्री जी रहते हैं ना, यहाँ मुख्यमंत्री हैं, यहाँ परेड करते हैं। अंदर ग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड, परेड ग्राउंड है वो, इंडिपेंडेंस डे में और रिपब्लिक डे में सब होता है। तो इधर ईस्ट लेफ्ट साइड में पूरा एयरफोर्स का जगह है, ये इस तरफ मैंने दिखाया नहीं। मैं देखिए ये सब एयरफोर्स का बिल्डिंग है, आर्मी एयरफोर्स सब कुछ ये है उनका। इधर एक कैंटीन भी है, CSD कैंटीन, हमारा डिफेंस का कैंटीन, ये वाला बड़ा वाला, तो सब सामान मिलता है वहाँ। हम कभी कभी आते हैं यहाँ भी, अलग अलग कैंटीन है, ये मेन कैंटीन है, तो ज़्यादा सामान चाहिए, रेयर सामान चाहिए तो ये यहाँ मिलता है। ये हम टर्न लेके जा रहे हैं, ये आगे जाके MG रोड है, आगे जाके जाएंगे तो MG रोड तक पहुंच गए हैं। ये मेट्रो का ये है ट्रैक है, मेट्रो ट्रेन का, ये देखिए ये MG रोड है, मेट्रो ऊपर मेट्रो का ट्रेन का ट्रैक है, लेफ्ट साइड में रोड है, तो मेट्रो स्टेशन है देखिए आगे, MG रोड स्टेशन है, ट्रिनिटी सर्कल स्टेशन शायद ये, या नहीं ये MG रोड स्टेशन है, आगे जाके ट्रिनिटी सर्कल होगा शायद। तो अलग अलग है, तो हम हमेशा नहीं जाते हैं, मतलब उधर जब क्वार्टर्स में रहते हैं तो हॉस्पिटल, हमारा कंपनी का हॉस्पिटल पास था, तो हर बार कुछ भी कुछ चीख भी आया है तो उधर जाते थे, हर बार दिखाते थे। अभी तो बहुत ज़्यादा कुछ हो तो जाते हैं, अभी तो वैक्सीनेशन है मेरी बेटी के लिए, कॉलेज के लिए वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है,
मतलब कंपलसरी कर दिए इन लोगों ने, अभी ऑफलाइन कर देंगे, एग्ज़ाम आ गया ना उनका, सेमिस्टर एंड एग्ज़ाम आ गया, सेमिस्टर एंड एग्ज़ाम कॉलेज के लिए जाना होगा, तब जाने के लिए कम से कम एक डोज तो होना ही चाहिए वैक्सीनेशन। तो हमारे कंपनी में देते हैं डिपेंडेंट्स को, मेरे हस्बैंड मतलब मेरे हस्बैंड के सब जॉब में वो उनका फैमिली को देते हैं, तो मेरे बेटी को लेके जा रहे हैं, अभी एक डोज तो हो जाएगा, फिर बाद में उसका डॉक्यूमेंट देना होता है कॉलेज में, प्रूफ देना होता है, देंगे, इसीलिए इधर जा रहे हैं। इधर सब पास में नहीं मिल रही 18+ को, अभी 18+ को ज़्यादा जगह में नहीं है, हमारे कंपनी में दे रहे हैं तो अभी जा रहे हैं। और मेरा भी कुछ ब्लड टेस्ट सब है, कुछ डॉक्टर के पास कुछ स्किन एलर्जी है तो दिखाना है, इसीलिए मैं भी साथ में हूँ। और बेटी के लिए भी कंपनी भी हो जाएगा, अकेली बोर हो जाएगी वो, इसीलिए वो बोल रही थी आ जाओ आ जाओ आ जाओ करके, तो आ गई उसके साथ। ये ओल्ड एयरपोर्ट रोड है, ये इधर कमांड हॉस्पिटल है आगे जाके, एयरफोर्स का कमांड हॉस्पिटल, मतलब एयरफोर्स आर्मी नेवी सभी डिफेंस वालों का उधर परमिशन है, उधर अच्छा है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज है, सब कुछ है। और हमें रिटायर्ड वालों को भी ECHS है, ये देखिए एयरफोर्स का वो बोर्ड है, देखिए वो हॉस्पिटल है, वो बिल्डिंग बड़ा सा बिल्डिंग है ना, ये देखिए यहाँ ये सब हॉस्पिटल ही है, सब डेंटल है, सब कुछ है, ये डेंटल है वो दिखाई दिया, ये मेन है, देखिए मेन गेट है आगे जाके, सब कुछ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज है उधर डिफेंस वालों का। तो मेरी बेटी का डेंटल कुछ ऑपरेशन हो गया था वो भी उधर ही हुआ, ये देखिए मेन गेट है ये कमांड हॉस्पिटल का। उस तरफ एक कैंटीन है एयरफोर्स का, ये सब एयरफोर्स का जगह है, पूरा रिस्ट्रिक्टेड एरिया एक्चुअली, अंदर साइड का है ना रिस्ट्रिक्टेड एरिया, सभी को अंदर जाने नहीं देंगे, इम्पोर्टेंट जगह है वो। ये आगे आगे लीला पैलेस है, ये लेफ्ट साइड में 5-स्टार होटल है एक बड़ा सा लीला पैलेस, ये देखिए ये वाला बहुत बड़ा सा फेमस है वो बेंगलुरु में लीला पैलेस। ये कैंटीन में हम नाश्ता करने के लिए आए हैं, एक काम हो गया सुबह का, थोड़ा सा काम हो गया, थोड़ा सा नहीं हुआ, बेटी का वैक्सीनेशन नहीं हुआ, 11 बजे बोल रहे थे इंतज़ार करना पड़ेगा, मेरा एक बार ब्लड दे दिया, अभी नाश्ता करके फिर से देना है, फिर बाकी स्किन के डॉक्टर से मिल के सब काम ख़त्म करके जितना जल्दी जल्दी हो गया तो हम लोग जाएंगे, बस में जाएंगे, नहीं तो नहीं। बेटी बोल रही है बंद करो मत करो वीडियो, लेकिन मैं कर रही हूँ उसको उसको मना मना के, तो इधर तो सिर्फ हम खा रहे हैं उसका वीडियो ले सकते हैं, और बाहर का नहीं मतलब हॉस्पिटल का नहीं दिखा सकती हूँ, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है हमारा, तो वीडियो नहीं ले सकती मैं, दिखा नहीं सकती आपको, तो बाकी सब नहीं दिखा रही हूँ मैं, सिर्फ हम हमारा खाने वाला चीज़ को दिखा रहे हैं, बातें करते करते खा रहे हैं। उसके बाद अभी इसको वैक्सीनेशन करा के घर जाएंगे। हमारा काम एक्चुअली इतना जल्दी ज़्यादा देर नहीं होगा, मेरे हस्बैंड तो 2:30 बजे ख़त्म होगा उनका ऑफिस का काम, तब तक हम क्या करेंगे यहाँ हॉस्पिटल में बैठ के, बैठ तो सकते हैं यहाँ सेफ है, आराम से बैठ सकते हैं, हमारा जगह इतने सालों से जान पहचान जगह है, ऐसे नहीं है, लेकिन बोर हो जाएंगे क्या करेंगे, हमारा काम भी नहीं होगा कि इसलिए टाइम वेस्ट करना है, हम बस में BMTC बस में चले जाएंगे, उनको इंतज़ार नहीं करेंगे जल्दी होगा। 12 बजे तक 11-12 बजे तक ख़त्म होगा उनका, तो 2:30 बजे हो जाएगा ऑफिस ख़त्म होते, वो आते आते 3 बज जाएगा हमारे यहाँ हॉस्पिटल में आते आते, इतने इंतज़ार कौन करेगा, इसीलिए हम बस में निकल गए कि 11 बजे हो गया हमारा, उनका उसका बेटी के वैक्सीनेशन भी थोड़ा जल्दी हो गया था, तो काम ख़त्म हो गया हम निकल गए। यहीं ख़त्म करती हूँ वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।